Students, now we are discuss about the sixth phase of the database design. The sixth phase of the database design is database implementation and tuning, right? See, database implementation and tuning. After completion every phases, last में हम क्या करेंगे, database को implement करेंगे. Database implementation basically is carried out by DBA. DBA तो आप जानते हो, database administrator, right? In conjunction with database designer. In this phase, application programs for processing of databases are written, tested and installed. कहने का मतलब, जो database आपने बनाया, जिस डेटाबेस को हमने डिजाइन किया है, उस डेटाबेस को अब हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, रिटन होगा उसका, उसके बाद उसका टेस्टेड होंगे, यानी कि आपने डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब उसकी टेस्टिंग होना बाकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिटन दैट डेटाबेस, देन टेस्टेड दिस डेटाबेस, एंड इफ दैट इज कंप्लीटली टेस्टेड, दैट मीन्स ओके, वी कैन ready to install it, then ultimately we will install it on the system. So ultimately the data implementation and tuning stage includes the following stages, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसे याद रखेंगे, जो database implementation tuning में इस्तेमाल होगा. First क्या है, coding and testing. कोडिंग का मतलब, जो आपने SQL क्वेरी लिखा, जो PL बनाया, जो उससे प्रोग्रामिंग आपने जो भी जेनरेट किया, व्हाट एवर द ट्रांजेक्शन यूज्ड, व्हाट एवर द रिलेशनशिप यू हैव क्रिएटेड, जो भी डेटाबेस का पूरा कंप्लीट डिजाइनिंग हो गया कोडिंग के थ्रू, आफ्टर दैट यू विल टेस्ट इट ऑफ दोज डेटाबेस प्रोग्राम्स. तो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन documentation of complete database programs. जो भी डेटाबेस को हमने डिजाइन किया उनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हम कॉपी पेन लेके उसको रिटन करेंगे, कैसे कैसे डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ, कैसे हम उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूजर्स के लिए जो रिक्वायर्ड होगा उनको पूरी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया जाता है, जिससे डेटाबेस को इस्तेमाल करना आसानी रहेगा, राइट. एंड द थर्ड स्टेज, इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस. इंस्टॉलेशन ऑफ द डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने बनाया उसको इंस्टॉल करेंगे सिस्टम के अंदर, राइट. एंड द फोर्थ स्टेप, कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम अर्लियर सिस्टम. आपके मान लीजिए सिस्टम में ऑलरेडी कुछ डेटा है, उन डेटा को इस डेटाबेस पे एंट्री कराना है, जो भी डेटा आप एंट्री करना चाहते हो, रिकॉर्ड जो भी डालना चाहते हो, जो भी इस पे आप नया एंट्री कर रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेटा है, तो वो सब इसमें फीड हो जाएगा. एंड द फिफ्थ स्टेज, दैट विल बी एरर फिक्सिंग इन डेटाबेस. डेटाबेस को इस्तेमाल करने में एंड डेटाबेस एप्लीकेशन, यूजर जब यूज करने में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, वो आपको पहले से डिनोट करके पहले से उस पर सोच के चलना होगा, क्या क्या एरर आपको आ सकते हैं उनको फिक्स कर दो. कारण हो सकता है यूजर इज नॉट कंफर्टेबल विथ बाय यूजिंग दिस डेटाबेस, तो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू फिक्स द एरर ऑलरेडी. तो दोज आर द स्टेजेस विच विल बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज इन ट्यूनिंग इन द डेटाबेस. डेटाबेस को तैयार करने में हमें इस तरीके का पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा. तो ये सिक्स फेज था, यानी कि दैट वॉज द फाइनल फेज ऑफ द डेटाबेस डिजाइन.
अब एक डेटाबेस आपको बना के हम दिखाना चाह रहे कि किस तरीके से एक डेटाबेस डिजाइन होगा। इन सारे फेजेस को मिला के आप एक डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हो। सपोज कीजिए यू आर द स्टूडेंट्स, आई नो इट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन। तो आप एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट्स, जब उस स्टूडेंट एग्जाम में होते हैं, तो वी कंसिडर आर डेटाबेस टू यूज टू रिकॉर्ड द मार्क्स दैट स्टूडेंट गेट इन डिफरेंट एग्जाम, राइट। अब विभिन्न एग्जाम से आपको कुछ नंबर मिला है, इन डिफरेंट कोर्स, अलग अलग कोर्स के जरिए जो आपको मार्क्स मिला है ना। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट एन ईयर डायग्राम दैट मॉडल एग्जाम्स एंड एंटिटीज एंड यूज टू ए टर्नरी रिलेशनशिप। कैसे हम इसको करेंगे, तो प्लीज सी दिस डायग्राम स्टूडेंट। तो एक एंटिटी मैंने लिया है आपके लिए, दैट इज स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, एस अंडरस्कोर आईडी, यानी कि आपकी स्टूडेंट की खुद की आईडी, एस अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट का नाम, प्रोग्राम्स, दोज ऑल आर एट्रीब्यूट्स। आप सॉरी प्रोग्राम लिख देता हूं, आप सिंगल एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम से रिलेट करेंगे। नाउ द रिलेशनशिप इज टेक्स, स्टूडेंट टेक्स, उनको क्या मिलेगा, इसके एक एट्रीब्यूट है दैट इज मार्क्स। स्टूडेंट को क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, किसके जरिए में मिलेगा, एग्जाम दोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम आपके साथ अनदर एंटिटी, एग्जाम में क्या क्या होगा, एग्जाम के एट्रीब्यूट ई अंडरस्कोर आईडी, एग्जाम की आईडी, कौन सी एग्जाम आपने दिया है उसके नेम, कहां पे आपने एग्जाम दिया था, सपोज कीजिए मैंने प्लेस एक अनदर एट्रीब्यूट, और कौन से समय पे आपने एग्जाम दिया, डेट टाइम जो भी है, व्हाट एवर यू हैव डिनोटेड, दोज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड टू द एंटिटी दैट इज एग्जाम। तो स्टूडेंट टेक्स एग्जाम एंड यू विल गेट द मार्क्स। अब स्टूडेंट्स की जो टेक्स है रिलेशनशिप, इसके साथ एक और एंटिटी मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज कोर्स अंडरस्कोर ऑफरिंग। जिस कोर्स के डिटेल आ जाएगा, कौन सी कोर्स, जिस कोर्स का आप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि जैसे कौन से सेक्शन नंबर पे है, कौन से सेक्शन में आप एग्जिस्ट करते हो, रूम नंबर कहां है, जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो वो कहां कौन से कक्षा में होता है, कक्षा नंबर क्या है, राइट, कोर्स नंबर क्या है आपका, व्हाट इज योर कोर्स नंबर, कौन सी ईयर में आप कर रहे हो, सपोज कीजिए दोज ऑल आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इन विच सेमिस्टर यू आर डूइंग दिस कोर्स, ओके, एंड कौन से समय पे कर रहे हो ये कोर्स, सपोज कि टाइम, यानी कि ड्यूरेशन जैसे होता है ना, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन सपोज कीजिए, तो दोज ऑल एंटिटी आर रिलेटेड विद दीज एट्रीब्यूट्स। तो दिस इज ए कंप्लीट ईयर डायग्राम फॉर एग्जाम ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लिख रहे हैं ई आर डायग्राम फॉर एग्जाम ऑफ स्टूडेंट्स। इस ये एक डेटाबेस डिजाइनिंग पार्ट है। व्हेन एवर यू विल डिजाइन द डेटाबेस, विभिन्न फेजेस का, विभिन्न एरियाज को कैलकुलेट करते हुए हम स्टूडेंट्स कोर्स ऑफरिंग्स एंड एग्जाम को कंप्लीट एंटिटीज को ऐड करके आप एक ईआर डायग्राम जनरेट करेंगे, जिसके तहत आप आगे डेटाबेस में वैल्यूज ऐड करके टेबल बना के डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फेजेस एज वेल एज यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस डायग्राम। नाउ आई विल गिव सम क्वेश्चंस टू यू थ्रू असाइनमेंट्स, यू हैव टू डू दिस एंड रिप्लाई बैक। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, थैंक यू।